हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी बताऊंगा जिसमें अगर आप लोग ने पैसा लगा के रखा है, 50-100 शेयर खरीद के रखा है, तो भैया आपका पैसा बन रहा होगा और भी आपका पैसा बनेगा। ये एक कंपाउंडिंग मशीन है जिसमें आप लोग वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसे लगा सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग इन कंपनियों पैसे नहीं लगाते, आप लोग सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी कंपनी पैसे लगाते हैं। देखो भैया, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। जो छोटी छोटी कंपनी अभी चल रहा है, जो लॉट वाली कंपनी चल रहा है, वो आगे चल के नहीं भी चलेगा। और छोटी छोटी कंपनी में 10% 20% करेक्शन नहीं होता है, 80-90% का करेक्शन होता है। और कहां से गिरेगा ये किसी को भी पता नहीं होता है। 2-2.5 सालों में ज्यादा पैसा जो बनाए वो छोटी छोटी कंपनी में बना है, लॉट वाली कंपनी में ही बना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि लॉट वाली कंपनी, छोटी छोटी कंपनी हमेशा चलता ही रहेगा। होता क्या है भाई कि जब हम लोग मार्केट में आते हैं तो जिधर पैसा बनते रहता है हम सारा पैसा उधर ही लगा देते हैं और अचानक से स्टॉक चलना बंद हो जाता है। एसएमई वाली कंपनी हमेशा नहीं चलेगा, छोटी छोटी कंपनी हमेशा नहीं चलेगा। और तगड़ा करेक्शन होता है भाई छोटी छोटी कंपनी में, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। तो बड़ा पैसा आपको बड़ी कंपनी में लगाना है ताकि आप लोग को डर ना लगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी कंपनी में 90-90% का करेक्शन होता है। स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपया है तो 10 रुपया भी हो सकता है भाई। आप लोग को मैं बताते भी रहता हूँ, कैप्टन पाइप अभी खूब चला है, लेकिन कैप्टन पाइप में 90-90% का करेक्शन हो चुका है। और आप लोग छोटी छोटी कंपनी पैसे लगाते हैं तो भी अगर स्टॉक डबल होता है तो आप अपना कैपिटल निकाल लीजिए, क्योंकि छोटी कंपनी रातों रात कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं बनने वाली है। जब अपना कैपिटल निकाल लेंगे, सिर्फ प्रॉफिट को छोड़ देंगे, तो अगर चल गया तो आप पैसे बना लेंगे, और अगर नहीं चला तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लेंगे। क्योंकि कोई भी छोटी छोटी कंपनी, कोई भी एसएमई वाली कंपनी रातों रात लार्ज कैप कंपनी नहीं बनने वाली है। उससे पहले आपको डराएगा, धमकाएगा, कुछ कंपनी पैसे भी डूबेंगे, जो अपना कैपिटल निकाल लेंगे, से प्रॉफिट को छोड़ देंगे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया ये जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ये कंपाउंडिंग मशीन है भाई, जिसमें आपका पैसा सालों साल बनेगा। आप लोग अगर इस कंपनी में पैसे लगा के रखे होंगे तो आपका पैसा बन रहा होगा। तो अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भाई, खुशी खुशी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और आप लोग प्रॉफिट बुक करने के बारे में कब सोचते हैं? जब स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हो जाता है, उस समय आप लोग प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचते हैं। तो देखो भैया, प्रॉफिट बुक करना है तो खुशी खुशी आप लोग प्रॉफिट बुक कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपके बेचने के बाद ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा। भाई स्टॉक क्यों नहीं ऊपर जाएगा, मार्केट क्यों ऊपर नहीं जाएगा। पॉलीकैब पे मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग को मैं वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। तो ये वीडियो मैं 28 सितंबर 2019 को बनाया था। यहाँ पे आप थंबनेल में देख सकते हो भाई क्या लिखा हुआ है, 1000 शेयर खरीद के रख लो, वेल्थ क्रिएशन, करोड़पति बनाने वाला शेयर, आंख बंद करके माल उठा लो। और मैं इसी वीडियो में बोला था कि पॉलीकैब इंडिया हैवल्स इंडिया के जैसा रिटर्न बना के देगा, और उसी तरह ये स्टॉक चला भी। किस प्राइस से वीडियो बनाया था आप लोग, मैं वीडियो प्ले करके भी दिखाना चाहूंगा। तो ये वीडियो मैं 697 रुपए के प्राइस से बनाया था 28 सितंबर 2019 को। तो अगर आप लोग ने पॉलीकैब में पैसा लगाया है तो भैया आपका पैसा बन रहा होगा। पॉलीकैब में पैसा किनका बन रहा है? जो लोग 2019 से खरीद के बैठे हुए हैं, जब रिजल्ट खराब है तो 30% करेक्शन हुआ था, फिर कोविड-19 में करेक्शन हुआ था, और भी कई बार करेक्शन हो चुका है पॉलीकैब इंडिया में। और आप लोग इस कंपनी को किस प्राइस पे खरीदे आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कि मुझे भी पता चले कि आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाते या नहीं लगाते। और केईआई इंडस्ट्री भी चल रहा है, आपको पता होनी चाहिए, वो भी स्टॉक देख लीजिए कहां से कहां चला गया। और केईआई इंडस्ट्री पे जब मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था भाई, तो जब स्टॉक गिरा था 2018 में, तो काफी लोग कमेंट किए थे कि आपकी वजह से मुझे केईआई इंडस्ट्री में नुकसान हो गया। पर अभी देख लो स्टॉक कहां पे ट्रेड कर रहा है। तो जो लोग भी होल्ड किए, भले ही छोटा इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन लंबे समय तक होल्ड किए, वास्केट में पैसे बना रहे। और आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो भाई कि जब किसी कंपनी में तेजी होती है ना, तो रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है, और कहां तक जाएगा ये किसी को पता नहीं होता है। तो इसलिए बोलता हूं कि आप लोग जो भी कंपनी खरीदिए उसे लंबे समय तक होल्ड कीजिए, क्योंकि जो चलेगा भाई ना, वो इतना चलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। पॉलीकैब देखो चल ही रहा है, जबकि मार्केट नहीं चल रहा था, चलते चलते 3300-3400 का हो गया। बजाज फाइनेंस जब चल रहा था तो खूब चला, चलते चलते लार्ज कैप कंपनी बन गया। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, चलते चलते बहुत बड़ी कंपनी बन गई।
तो जो चलता है भाई वो खूब चलता है, और जो नहीं चलेगा उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। और एक साथ सभी स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। मेरी आंखों के सामने एस्ट्रल पाइप लार्ज कैप कंपनी बनी है, एपीएल अपोलो लार्ज कैप कंपनी बनी है। तो जब चलता है भाई ना तो खूब चलता है, और जब नहीं चलता तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो जो खरीद के बैठे रहते हो पैसे बना लेते हैं। टाटा एलेक्सी जब चला तो इतना चला कि 10 शेयर का हो गया, लेकिन जब नहीं चल रहा था तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। इतनी तेजी से स्टॉक भागा कि जब चला तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। आप लोग ने वीडियो भी नहीं देखा होगा, लेकिन मैं टाटा एलेक्सी पे 2018 में वीडियो बनाया हूँ, जब वो नहीं चल रहा था, परेशान कर रहा था। तो भी अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं तो खरीद के भूलिए। एल&टी इन्फोटेक भी जब चला तो सीधे 1600-1700 रुपए से 7500 तक चला गया था। तो जब कोई स्टॉक चलता है भाई ना तो खूब चलता है, और जो नहीं चलता है वो नहीं चलता है, फिर बाद में चलते हैं। हर कंपनी अपने हिसाब से चलता है। एशियन पेंट भी नोटबंदी के पहले बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, लेकिन जब चला तो 4000 तक चला गया भाई। और जो चल रहा था, जो बर्जर पेंट चल रहा था वो नहीं चला, लेकिन बर्जर पेंट भी चलेंगे। कंपनी में क्या दिक्कत है? एशियन पेंट बर्जर पेंट में कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस आपके पास पेशेंस होना चाहिए। आप अगर 10-1500 के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप पैसे बना के निकलेंगे। हैवेल्स इंडिया भी नहीं चल रहा था, मैं कई बार वीडियो बनाया 400-500 रुपए के प्राइस पे, हिला तक नहीं। पर अभी देखिए हैवेल्स इंडिया का क्या प्राइस है। पैसे बनते हैं भाई, पर वो लॉन्ग टर्म ही बनते हैं। कई बार तो आपको ऐसा कि मैं इससे अच्छा प्रॉपर्टी खेल लेता, एफडी में पैसे लगा देता। तो भाई आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसे बल्क में बनते हैं। मार्केट अगर एक साल से नहीं चला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं चलेगा। आप अगर उसे प्रॉपर्टी से कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, एफडी से कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, तो भैया आप शॉर्ट टर्म का रिटर्न देख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कभी सेंसेक्स 100 का हुआ करता था, और आज क्या है? अब पॉलीकैब है। अब हमेशा तो नहीं चलेगा ना कभी तो रुकेगा। हैवेल्स इंडिया के जैसा परेशान करेगा वो तो करना ही है। तो जब रुकेगा तो फिर आप लोग एफडी से कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपर्टी से कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो भैया ये बिजनेस है, आप इसको बिजनेस की तरह लीजिए। किया इंडस्ट्री में जब करेक्शन हुआ था तो जो लोग भी किया इंडस्ट्री में पैसे लगाए थे, 474 रुपए के प्राइस पे खरीदे थे 2018 में, स्टॉक का प्राइस जब नीचे आया था तो मुझे गालियां भी पड़ी थी, फिर से स्टॉक ऊपर भी गया और फिर से नीचे आ गया था। तो भैया 2-3 सालों तक तो घूमता रहा किया इंडस्ट्री। तो जो लोग भी ये सोचे कि किया इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करके मुझे क्या मिला, स्टॉक तो ऊपर जाता है फिर नीचे चला आता है, आपके कहने का मतलब यही है ना। अगर आप एफडी से कंपेयर कर रहे हैं तो जिनका भी किया इंडस्ट्री में पैसा नहीं बना तो यही सोचे कि के इंडस्ट्री मुझे क्या मिला, इससे तो मुझे एफडी में रिटर्न मिल जाता। पर जो होल्ड किए भाई ना वो आज एफडी से ज्यादा रिटर्न बना रहे होंगे। और जो लोग ये सोचे कि के इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करके क्या फायदा, मुझे इससे तो एफडी में रिटर्न मिलता। 2018 में 456 रुपए का प्राइस था और 2020 में 255 रुपया हो गया। तो भैया अगर आप लोग इस तरह से सोचते हैं तो फिर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एफडी में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में पैसे लगाएं। टाटा एलेक्सी जब नहीं चल रहा था ना, 2-3 साल 4 साल जब नहीं चला ना, तो कई लोग यही सोच रहे होंगे कि टाटा एलेक्सी में मुझे क्या मिला, टाटा एलेक्सी से ज्यादा तो मुझे एफडी में रिटर्न मिल जाता। पर अभी देखिए टाटा एलेक्सी क्या प्राइस है। तो अगर आप लोग इस तरह से सोचते हैं तो मैं आपको खुल के बोलना चाहूंगा कि आप फिर एफडी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्रॉपर्टी खरीदिए, फिर आपके लिए मार्केट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिनको भी भाई बुरा लग रहा है मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कांटेक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो। आप सभी लोग इन्फोसिस का रिटर्न देके पैसे लगाए हैं, पर आप इन्फोसिस का जरा ग्राफ भी चेक कर लेते तो आप यहाँ पे इन्फोसिस का भाई ग्राफ देख सकते हो। कई सालों तक, कई महीनों तक नहीं चले हैं स्टॉक, आप यहाँ पे देख लीजिए। पर आप लोग को पता है ना कि इन्फोसिस में जो लोग भी पैसे लगाए हैं भाई, वॉच किट में करोड़ रुपया बना रहे हैं। पर वो जो करोड़ रुपया बन रहा है भाई ना, वो कोई रातों रात नहीं बन रहा है। तो आप ये सपना मत देखिए कि रातों रात आप करोड़पति बन जाइएगा, अरबपति बन जाइएगा। आपके एफडी में इन्वेस्टमेंट करके 11,133% बना पाएंगे जो लोग इन्वेस्टमेंट किए पैसा भाई उनकी उन्हीं का बन रहा है ना। कि जो लोग एफडी से कंपेयर किए, तो 3 साल इन्फोसिस नहीं चला तो बेच के निकल गए, एफडी में इन्वेस्टमेंट कर दिए, क्या वो पैसे बना लिए? तो आप एफडी से कंपेयर मत कीजिए, शेयर मार्केट को बिजनेस की तरह लीजिए। अब पेशेंस नहीं है भाई तो कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करें। आप निफ्टी का भी ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो, क्या निफ्टी सिर्फ हमेशा चलता रहता है? कई बार करेक्शन हो चुका है। तो भैया आप लोग चीजों को समझिए, तो करेक्शन कंसोलिडेशन होगा। आप अगर एफडी से कंपेयर कर रहे हैं तो फिर आपके लिए मार्केट नहीं है, क्योंकि आपको एफडी की तरह यहाँ पे रिटर्न नहीं मिलेगा। वहां पे फिक्स रिटर्न है, यहाँ पे फिक्स रिटर्न कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर कोई स्टॉक एक साल में 500% चलता है तो 50% गिरता भी है,
और 2-3 साल कोई स्टॉक अगर नहीं चलता है तो 2-3 सालों का रिटर्न कुछ ही महीनों में कुछ ही सालों में बनाकर दे देता है। तो वही लोग मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे, उनको इंट्राडे टिप्स फ्री में दिया जाएगा। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल नहीं पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाएं तभी जाके आपका पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। धन्यवाद।